सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू योर चैनल इंफिनिटी राइडर्स एंड ही वी बैक विद अनदर क्रेजी वीडियो। एंड आज का वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं हाउ टू डू रोलिंग स्टॉपी इन 5 मिनट्स एंड इन ओनली 5 स्टेप्स। सो वीडियो पूरा अंत तक देखना। ऐसा रोलिंग स्टॉपी नहीं मारना है आपको, आपको रियल वाला सिखाएंगे। चलिए तो गाइस, अगर आप लोग न्यू है चैनल में तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए विद द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोस। इट डजंट मैटर आप मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स यूज करते होंगे या फिर पावर ब्रेक यूज करते होंगे या फिर ड्रम ब्रेक्स यूज करते होंगे या फिर हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज करते होंगे, आपको हम इजिली बताने वाले हैं कोई भी ब्रेक्स में आप इजिली रोलिंग स्टॉपी कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पहले हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में बताने वाले, उसके बाद पावर ब्रेक्स के बारे में, उसके बाद मैकेनिकल डिस्क ब्रेक के बारे में, उसके बाद हम ड्रम ब्रेक्स के बारे में बताने वाले। तो वीडियो पूरा अंत तक देखना। हाउ टू डू रोलिंग स्टॉपी हम बहुत पहले भी बनाए हैं, बट हम इतना डिटेल में नहीं बनाए जितना डिटेल में आज आपको हम बताने वाले हैं। सो वीडियो पूरा अंत तक देखना ताकि आप रोलिंग स्टॉपी बहुत जल्द से जल्द आप सीख जाए। एंड एक हैक आपको हम बताने वाले हैं जो वीडियो का एंड में हम बताने वाले हैं, जिसके वजह से रोलिंग स्टॉपी आपका बहुत अच्छे से इंप्रूव होगा। टेक्निकल चीजें का मतलब आई मीन कि आप कौन सा ब्रेक यूज कर रहे हैं, कौन सा पैड यूज कर रहे हैं एंड कौन सा रोटर यूज कर रहे हैं अगर आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज करते होंगे तो। क्योंकि अगर आप सही ब्रेक्स एंड सही इक्विपमेंट्स यूज नहीं करेंगे देन आपका रोलिंग स्टॉपी कभी अच्छे से नहीं होने वाला है। बात तो सही है। अगर आप ऑप्ट करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स के लिए, शिमानो इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो फॉर। स्क्रीन में आता होगा ये सब मॉडल्स, आप शिमानो का ब्रेक्स खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ जो पैड्स आता है, एक आता है रेजिन पैड्स, एक आता है मेटालिक पैड्स। रेजिन पैड्स आई विल ओनली सजेस्ट बिकॉज मेटालिक पैड्स बहुत आवाज करता है। अच्छा, रोटर जो आप यूज करेंगे, अगर आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज कर रहे हैं तो शिमानो का रोटर्स आर ओनली रिकमेंडेड। RT56, RT66 ये दोनों जो रोटर आता है आप यूज कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर है, शिमानो का 160mm रोटर इज ओनली रिकमेंडेड। अगर आप हायर बड़ा साइज का रोटर में जाएंगे, जैसे कि 180mm हुआ या फिर 203mm का रोटर हुआ, वो बहुत पावरफुल होता है, आपको पलटा देगा, वो पीछे के लिए सही है। बट अगर आप देख रहे हैं कि आपका रोलिंग स्टॉपी बहुत इंप्रूव हो गया, आप हायर लेवल ट्रिक्स में जाना चाहते हैं, तब आप ऑप्ट कर सकते हैं 180mm रोटर्स में। अगर आप लोकल ब्रेक्स खरीदेंगे वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 1-2 महीना में खराब हो जाएगा, ऑयल लीक करना चालू कर देगा, ब्रेक अच्छे से काम नहीं करेगा। सो आई विल ओनली रेकमेंड यू गाइस टू यूज ओरिजिनल पार्ट्स, ओरिजिनल पैड्स, ओरिजिनल रोटर। टेक्ट्रो का भी ब्रेक्स आता है, बहुत जन पूछते हैं भाई टेक्ट्रो का ब्रेक कैसा है। हमको पता है वो कम दाम में आता है, बट टेक्ट्रो इज नॉट दैट गुड फॉर रोलिंग स्टॉपी। रोलिंग स्टॉपी करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हेलमेट इज अ मस्ट। रोलिंग स्टॉपी में आप बहुत बार गिरेंगे, अगर आप गिरेंगे तो आपका सिर फट जाएगा। तो अभी जो नेक्स्ट टेक्निकल चीज आपको समझना पड़ेगा वो की है हैंडल बार्स। हैंडल बार आप जो यूज कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर जो आप स्ट्रेट हैंडल बार, जो राइजर हैंडल बार आता है वही वाला यूज कीजिए, क्योंकि उसमें अच्छा बैलेंस आपको मेंटेन रहेगा। मेरा हैंडल बार का साइज है 750mm, अगर आप चाहते तो 680mm या 720mm या 620mm का हैंडल बार से भी कर सकते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर कि आपका हैंडल स्ट्रेट रहना चाहिए ताकि आप अच्छे से बैलेंस कर सके रोलिंग स्टॉपी में। सो टेक्निकल चीजें समझ लेने के बाद अभी चलते हैं मेन स्टेप, रोलिंग स्टॉपी कैसा करना है। रोलिंग स्टॉपी आप जब उठाते हैं स्पीड में, ब्रेक मारने से हाइट होता है, ब्रेक छोड़ने से हाइट कम होता है। दिस इज बेसिक कॉमन सेंस टू अंडरस्टैंड। आपको ऐसा नहीं कि आपको एकदम स्पीड में आके आपको ब्रेक मारना है, आप उसे पलटा जाएंगे एंड बहुत खतरनाक लग जाएगा आपको। आपको एकदम स्पीड में आके नहीं करना है, आपको कम स्पीड में करना है। आप जब रोलिंग स्टॉपी हाइट में उठाते होंगे, पहले आपको ब्रेक मारना पड़ेगा सामने का, उसके बाद आपको ब्रेक छोड़ना पड़ेगा, ब्रेक पकड़ना पड़ेगा, ब्रेक छोड़ना पड़ेगा, कम स्पीड में, हैंड पोजीशन। तो बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं कि आप जब चलाते होंगे रोलिंग स्टॉपी, आप लोग बहुत जन ऐसे होते कि हैंड बेंड करके मारते होंगे, अब डायरेक्ट ऐसा गिरेंगे। हैंड बेंड नहीं करने आपको, हैंड आपको एकदम स्ट्रेट रख के आपको रोलिंग स्टॉपी उठाना पड़ेगा। आपको ब्रेक ज्यादा भी टाइट नहीं करना है ताकि आप रोलिंग स्टॉपी में आप गिर जाए, ज्यादा ढीला भी नहीं हो जाए ताकि आप रोलिंग स्टॉपी उठा भी ना सके। बहुत लोग होते हैं ऐसे ही खड़ा होकर रोलिंग स्टॉपी मारता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। रोलिंग स्टॉपी ऑलवेज आपको बैठ के लेके जाना पड़ेगा, तभी आप सही से लॉन्ग डिस्टेंस भी लेके जाएंगे एंड सही से कंट्रोल करके भी लेके जा पाएंगे। अगर आप खड़ा खड़ा मारेंगे देन आप सामने बहुत जल्दी पलटा जाएंगे एंड सही टेक्निक आप कभी नहीं सीख पाएंगे। तो और एक जो चीज इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि टारगेट, पहले अपने आपको आपको चैलेंज करना पड़ेगा कि आप कितना दूर रोलिंग स्टॉपी लेके जा सकते हैं, क्योंकि हम भी वैसे ही सीखे हैं। अगर आप पहले देख रहे हैं कि आप 1 मीटर लेके जा रहे हैं, आप उसको तोड़ के 2 मीटर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखिए वे 2 मीटर जा रहा है तो आपको 3 मीटर करना पड़ेगा। अपने आपको खुद चैलेंज कीजिए ताकि आप रोलिंग स्टॉपी अपना इंप्रूव कर सके। बहुत लोग ये मिस्टेक करता है कि जब आप रोलिंग स्टॉपी लेके जा रहे हैं ना, आप नीचे देख के रोलिंग स्टॉपी लेके जाते हैं, इसीलिए आप लोग कोई सीख नहीं पाते हैं। अगर आप नीचे देखे भाई नीचे 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 क्या देख रहे हो, आपको अपना टारगेट पे फोकस करना है तभी आप उतना दूर लेके जा पाएंगे। आपको स्ट्रेट टारगेट में देखना पड़ेगा कि हमको उतना दूर लेके जाना है। अभी आप रोलिंग स्टॉपी का टेक्निक समझ जाने के बाद अभी चलते हैं मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में आपको रोलिंग कैसा करना है। देखिए मैकेनिकल डिस्क ब्रेक आई विल नॉट रिकमेंड फॉर रोलिंग स्टॉपीज, ठीक है। अगर आप रोलिंग स्टॉपी मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में आप लेके जा रहे हैं, आप जितना दूर लेके जा रहे हैं उतना ही तक उसका लिमिट है, उससे ज्यादा आप नहीं लेके जा पाएंगे, क्योंकि मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स कभी कभी पकड़ता है छोड़ देता है, कभी कभी पकड़ता है छोड़ देता है। कि मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स हो या फिर पावर ब्रेक्स हो या फिर ड्रम ब्रेक्स हो, एक चीज जो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है द टेक्निक। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू मेंटेन दैट ब्रेक। क्योंकि देखिए हम रोलिंग स्टॉपी हम मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स में भी मारे हैं, पावर ब्रेक्स में भी मारे हैं एंड ड्रम ब्रेक्स में भी मारे हैं एंड अभी हाइड्रोलिक ब्रेक्स में भी मार रहे हैं, तो टेक्निक्स आर द सेम।
आपको हम बोलेंगे कैसा मेंटेन करना है ताकि आप लंबा रोलिंग लेके जा सके अपना साइकिल पे। अगर आपका बजट कम है एंड आप मैकेनिकल डिस्क ब्रेक में रोलिंग मारना चाहते हैं बट उसको मेंटेन भी सही से करना पड़ेगा, आपका रोटर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, आपका डिस्क पैड एकदम सही होना चाहिए, अच्छे से सेट होना चाहिए, चक्का फ्री होना चाहिए, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। अभी चलते हैं पावर ब्रेक्स में। पावर ब्रेक्स मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका रोलिंग स्टॉपिंग लंबा जाने वाला होगा, अदरवाइज इट विल नॉट। आप पैड्स ओरिजिनल यूज करना, आपको जब स्क्रीन में दिखता होगा प्रोमैक्स का जो बार आता है आप वही वाला ब्रेक्स यूज करना अपना रोलिंग स्टॉपिंग के लिए, अदरवाइज आप लोकल जो यूज करेंगे वो बहुत जल्दी टेढ़ा हो जाता है, सही से ब्रेक्स नहीं पकड़ता है। आपका रिम एकदम स्ट्रेट होना चाहिए अगर आप पावर ब्रेक्स में रोलिंग स्टॉपिंग मारना चाहते होंगे, क्योंकि अगर आपका रिम टेढ़ा रहेगा ना आप अगर ब्रेक मारेंगे तो आप रिम्स ऐसा होगा, रिम के साथ साथ ब्रेक भी ऐसा होगा, ब्रेक ऐसा होगा तो आप ऑब्वियसली पलटा जाएंगे, तो आपको रोलिंग स्टॉपिंग स्मूथ एंड जाने नहीं वाला होगा। सो अभी चलते हैं ड्रम ब्रेक्स। अगर आप ड्रम ब्रेक्स में रोलिंग स्टॉपिंग मारते होंगे, हम ड्रम ब्रेक्स से ही रोलिंग स्टॉपिंग सीखे हैं, कैन यू इमेजिन, तो इसलिए ड्रम ब्रेक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप पैड्स थोड़ा अच्छा यूज करना। उसमें भी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि आप उसमें भी लॉन्ग लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाहर का देश में जैसे ब्राजील में वो लोग ड्रम ब्रेक्स में लॉन्ग लेके जाते हैं, बट वो लोग स्पेसिफिकली अपना साइकिल रोलिंग स्टॉपिंग के लिए बनाया है, तो इसीलिए वो लोग साइकिल का पीछे पैग्स नहीं है, गियर्स नहीं है, इसलिए पीछे हल्का होता है, लोग अच्छे से उठा के रोलिंग स्टॉपिंग लेके जा सकता है। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप लोग नहीं कर सकते हैं, रोलिंग स्टॉपिंग अच्छे से कर सकते हैं ड्रम ब्रेक्स में भी, बट आपको अच्छे से ब्रेक्स मेंटेन करना पड़ेगा, रिम मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप रोलिंग स्टॉपिंग लंबा लेके जा पाएंगे। आपको रिम एकदम सीधा रहना चाहिए, एकदम टाल नहीं रहना चाहिए, ब्रेक पैड्स अच्छा एंड ओरिजिनल होना चाहिए। ड्रम ब्रेक्स जो रहता है ना वो तो फोर्क में लगा हुआ रहता है ना बोल्ट लगा के, वो हिलना नहीं चाहिए, वो हिलेगा तो फिर ब्रेक पैड्स उठ के टायर में लग जाएगा, देन आप पलटा जाएंगे, क्योंकि मेरा खुद ऐसा होता था, हम उसी में सीखे, इसीलिए आपको बता रहे हैं। लोकल अलॉय रिम्स मत लीजिए, लॉन्ग टर्म में अच्छा चलने वाला होगा। हाइड्रोलिक ब्रेक्स के लिए जा सकते हैं, बट अगर आपका बजट आपका कम है आई विल नॉट सजेस्ट मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स, आई विल सजेस्ट पावर ब्रेक। देखिए मार्केट में चीपेस्ट हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आता है, MT 200 आता है, MT 400 आता है, शिमानो का, आप वो सब ले सकते हैं रोलिंग स्टॉपिंग के लिए, बहुत अच्छा होता है, हम खुद ही पर्सनली यूज किए हैं। देखिए रोलिंग स्टॉपिंग सीख जाने के बाद आप 360 एंगल्स कर सकते हैं एज वेरिएशन, एंडो स्टॉपिंग कर सकते हैं, जी टर्न्स कर सकते हैं, बहुत सारा वेरिएशन आता है, वो सब भी बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो रोलिंग स्टॉपिंग इज अ मस्ट, वो बेसिक्स है, वो आपको सीखना पड़ेगा ही दूसरा ट्रिक्स करने के लिए। रोलिंग स्टॉपिंग अगर सीखना है तो आपको बाहर निकल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रोलिंग स्टॉपिंग एक दो दिन का चीज नहीं है, सालों लगता है आपको मास्टर करने में, मेरा इतना साल हो गया हम अभी तक खुद मास्टर नहीं कर पाए, इसलिए देखने में जितना खूबसूरत लगता है सीखने में भी उतना टाइम लगता है। इफ यू वांट टू गेट समथिंग इन लाइफ जो आपको कभी नहीं मिला हो, आपको वो सब चीज करना पड़ेगा जो आप कभी किए नहीं हो, आपको बाहर निकल के आपको करना पड़ेगा, तभी यू विल सक्सीड इन लाइफ। सो गाइस आई होप दिस वीडियो हेल्प यू, अगर ये वीडियो आपको हेल्प किया तो प्लीज जाके लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इन्फिनिटी राइडर्स। हम वीडियो का एंड किए थे बट वो वाला फाइल मिसप्लेस हो गया, तो हम सॉरी फॉर दैट। अगर ये ट्यूटोरियल से आप कुछ भी सीखे होंगे तो जाके आप इंस्टाग्राम को टैग कर सकते हैं, हम रीशेयर करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल क्या चीज पे बनाना चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज आउट। फ्लैशबैक। सो ए तुम हाइड कर दे मेरे हमको। सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल इंटरनिटी। इसलिए आई विल नॉट रेकमेंड इट, कर दे एक बार कत कुछ बोल दिया, कर दे यस साला की होई छे हमार आज के, लेट्स गो। ये वो गाड़ी नहीं, ताओ फोन मेरे यार, बेशुरा बच्चा को।